बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 16 ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 8। चैप्टर 13 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 13B, पेज नंबर है 166। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलीफाई करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 का फर्स्ट देखें पार्ट, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, फिर माइनस ब्रैकेट वाई प्लस जी ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई स्क्र माइनस वाई जी प्लस जी स्क्र प्लस ब्रैकेट जी प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जी स्क्र माइनस जी एक्स प्लस एक्स स्क्र। बेटा ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, तीनों में यही फार्मूला बन रहा है। पहला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में आएगा वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, क्योंकि वाई प्लस इंटू वाई स्क्र माइनस वाई जी प्लस जी स्क्र, और थर्ड में आ जाएगा बेटा प्लस है जी क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। अब ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे, ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब नेगेटिव साइन की वजह से माइनस वाई क्यूब माइनस और प्लस माइनस जी क्यूब और प्लस जी क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इसमें वाई क्यूब से कट जाएगा, जी और जी से कट जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब रह जाएगा और प्लस हो जाएगा टू एक्स क्यूब। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट। इसमें भी कंटिन्यू प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इन दोनों को अगर देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये इंटू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, ये देखें अगर हम करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर, ये 2 3 6 ए 6 माइनस बी 6 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करना बेटा, ये भी ईजी, अब सेम एक जैसे ही आ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला बनाना है, ए प्लस बी वाला किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, और ये माइनस वाला जो है वो प्लस के साथ, इनके दो फार्मूला बन गए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पहला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला लगेगा, ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब स्क्र, ए सिक्स माइनस बी सिक्स इज द आंसर। सेकेंड पार्ट खुद करना है, थर्ड करते हैं। थर्ड देखें सिंप्लीफाई करना है, टू ए प्लस टू ओवर ए ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट फोर ए स्क्र प्लस फोर ओवर ए स्क्र प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज माइनस टू ओवर ए माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू फोर ओवर ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस टू ब्रैकेट क्लोज। अब देखें फार्मूला कैसे बनता है। अब पहला देखें फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी, सॉरी ये माइनस है बेटा, ये सॉरी माइनस है, ये फोर जो है यहां पर ये माइनस में है, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र और प्लस बी स्क्र और ये प्लस ए बी सॉरी माइनस ए बी बनेगा, ये माइनस है ये प्लस में नहीं है, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये फॉर्मूला क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक्सपेंड किया टू ए का होल क्यूब हो जाएगा एट ए क्यूब प्लस टू ओवर ए का एट ओवर ए क्यूब माइनस टू ओवर ए का बन जाएगा एट ओवर ए क्यूब और ये माइनस ए क्यूब। ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, एट ए क्यूब प्लस एट ओवर ए क्यूब और ये माइनस एट ओवर ए क्यूब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ए क्यूब, ये कैंसिलेशन, एट ए क्यूब प्लस ए क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा 9A³। अब बेटा 5 के जो रिमेनिंग है वो आपने खुद करने। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और आप देखिए यहाँ जो बुक में है वो माइनस दिया हुआ है, यहाँ ये माइनस है लेकिन यहाँ प्लस करना है, प्लस इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी से। सबसे पहले हम इनको देखिए फार्मूला नहीं बन रहा, एक्सपेंड कर लेते हैं,
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, और प्लस एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया ए एक्स, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर ए एक्स, और माइनस बी से किया माइनस बी एक्स, और ये माइनस ए बी इन टू, ये क्लोज करके हम ए बी ले लेते हैं ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू ए एक्स और प्लस ए एक्स प्लस थ्री ए एक्स, और ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू बी एक्स और माइनस बी एक्स माइनस थ्री ए बी एक्स, और ये माइनस ए बी, और ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करेंगे, थ्री एक्स के ए से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू थ्री एक्स स्क्वायर थ्री ए एक्स स्क्वायर, ए इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी ए इंटू एक्स स्क्वायर ए क्यूब, फिर ए इंटू थ्री ए एक्स थ्री ए स्क्वायर एक्स, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, फिर ए इंटू माइनस थ्री बी एक्स माइनस थ्री ए बी एक्स, ए इंटू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी। अब बी ले लें, b इंटू थ्री एक्स स्क्वायर थ्री बी एक्स स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी, बी इंटू थ्री ए एक्स थ्री ए बी एक्स, फिर b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी क्यूब, बी इंटू माइनस थ्री बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बी थ्री एक्स बी स्क्वायर, बी इंटू माइनस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब कुछ कटिंग हो रही है टर्म्स, ये कट गई और बाकी हमारे पास बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर ए प्लस थ्री एक्स ए स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बी माइनस थ्री एक्स बी स्क्वायर। तो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, और साथ यूनिट भी कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन थ्री फोर फाइव होमवर्क में करना है, बल्कि जितने भी क्वेश्चन है वो सब की प्रैक्टिस करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेहतर होगा मैथ्स इंशाल्लाह। तो ये अब लास्ट एक्सरसाइज जो का जो है एमसीक्यूज है पेज नंबर 168 पर, तो एमसीक्यूज है ये बेटा आप खुद करना है, जैसे एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो आज आपका जो है यूनिट 13 कंप्लीट हो गया, इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।